नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme के नार्जो 30 प्रो के बारे में। ये दोस्तों ये जो फ़ोन है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी दोस्तों जो फर्स्ट सेल है वो 4 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी फ़ोन के बारे में बताऊँगा और आपसे बात करूँगा कि आपको इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, और दोस्तों आपको इससे बेटर और कौन सा फ़ोन मिल रहा है Realme का ही। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि दोस्तों Realme का ये नार्जो 30 प्रो ये फ़ोन है वो दोस्तों एक 5G फ़ोन है और इसकी प्राइस दोस्तों इस हिसाब से रही गई है 17,000 रुपये दोस्तों इसकी प्राइस है। इसकी बेस वेरिएंट की है जिसमें दोस्तों आपको 6GB और 64GB का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो दोस्तों क्या आपको इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर आपको इसके लिए कोई और फ़ोन लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Realme का नार्जो 20 प्रो फोन आया था वो दोस्तों काफ़ी अच्छा था, और दोस्तों उसी तरीके से Realme का दोस्तों नार्जो 30 प्रो फोन है वो दोस्तों 5G नेटवर्क के साथ आता है। दोस्तों इस फोन में आपको 6.5 इंच की एक IPS डिस्प्ले दी गई है जो कि दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है, बट दोस्तों इसके साथ जो प्रोसेसर दिया गया है वो है दोस्तों मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U। दोस्तों ये प्रोसेसर है ये एक 5G प्रोसेसर है। दोस्तों क्या आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि ये जो फ़ोन है जिस 17,000 रुपये का फ़ोन है जिसमें आपको दोस्तों सेम वही फीचर मिलते हैं जो दोस्तों आपको Realme के 7 में मिलते हैं, बट दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, वो है दोस्तों 15,000 रुपये। बट अभी आप उसे खरीदते हो तो उसके ऊपर दोस्तों सेल चलती रहती है, तो वो फ़ोन आपको सिर्फ 13,000 या 14,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। सिर्फ फ़र्क है तो दोस्तों सिर्फ 4G और 5G का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क नहीं आए हैं, तो आपको 5G फ़ोन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप Realme का नार्जो 30 प्रो का वेट कर रहे हो, उसको लेना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप उसकी जगह Realme का Realme 7 ले लो, क्योंकि दोस्तों सेम डिज़ाइन दी गई है, सेम दोस्तों फीचर हैं, सिर्फ जो दोस्तों प्रोसेसर है वो अलग है, और बाकी दोस्तों उसका जो चार्जर है वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि दोस्तों जो 4G नेटवर्क हैं वो दोस्तों इंडिया में अभी फिलहाल चल रहे हैं, और 5G दोस्तों कोई पता नहीं है कब तक आएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्यों वेट करना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, बट दोस्तों अगर आप एक Realme की फ़ोन लेना चाहते हो तो आप Realme का Realme 7 ले सकते हो जो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है Realme की तरफ से, जिसकी प्राइस दोस्तों Realme नार्जो 30 प्रो से काफ़ी कम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।